हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। सिलेक्ट स्टेटमेंट है क्या? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल कमांड इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड टू क्वेरी द डेटाबेस एंड रिट्रीव सिलेक्टेड डेटा दैट फॉलो द कंडीशंस वी वांट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द सिलेक्ट स्टेटमेंट used to query or retrieve data from a table in the database। हम जो हमारी कमांड है select statement, यह मतलब SQL की common कमांड है, क्योंकि हर जगह पर SQL में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड select statement की होती है। select की query जो है वो सबसे ज़्यादा use होती है, और ये हम तब use करते हैं जब हम इसका मतलब कोई भी हम data retrieve करना चाहते हैं तब करते हैं। पहले हम जो example करते आ रहे हैं select का, आप देखा था, आप देखते आ रहे थे, उसमें हम यूज़ करते थे स्टार साइन, वो है सिलेक्ट ऑल की स्टेटमेंट। आगे हम वो पढ़ेंगे, अभी हम सिंगल सिलेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये है कि जैसे कि आपको एक डेटा मालूम करनी है, जैसे कि आप अभी हमारे पास टेबल बने हुए हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, सिटी और सिटी पिन के। आप चाहते हैं कि सर भाई मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट की डेटा है उनमें से मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स के सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए, तो आप उसमें उसका लिख सकते हैं। जैसे कि इसका सेंटेक्स जो है हम लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, जो हम पहले लिखते आ रहे थे, फिर टेबल नेम। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा देकर दूसरे कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने आप चाहें, जैसे कि भाई मुझे स्टूडेंट आईडी भी चेक करनी है, उस हिसाब से। अभी हम इसका क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीएमडी में आ गया हूँ, अभी यहाँ पर एसक्यूएल भी मेरा ऑन है और सारी की क्यूरी भी यूज़ है। अभी हम क्या करते हैं, डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। सिंपली हम वही लिखेंगे यूज़ माई डी बी, यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो भी हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, अब इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जो हम सॉरी इंसर्ट की सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट। आप अगर चाहें तो इसमें सिर्फ ऑल की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिलेक्ट सिर्फ स्पेसिफिक के बारे में, तो हम वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने लिखा सिलेक्ट नेम, लिख लिया है, जैसे कि कॉलम नेम हमारा नेम है। उसके बाद हमने लिखा फ्रॉम कीवर्ड, स्टूडेंट टेबल का नेम आ गया। आप चाहें तो नेम के बाद कॉमा देकर दूसरे कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, हम अभी उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, फिलहाल हम यही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल में जो भी स्टूडेंट के नेम्स थे वो सारे के सारे शो कर रहा है। यहाँ पर लिख के आ गया है 9 rows इन अ सेट, जिसने 0.00 सेकंड लिए हैं। तो हमारी डेटा इसने बहुत ही जल्दी रिट्रीव कर ली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 स्टूडेंट के नाम है। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट फिर से वही तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, स्टूडेंट के आईडी के साथ साथ उसका नेम भी कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी नेम। अब क्या करेंगे, हमें स्टूडेंट आईडी भी दिखाए और नाम भी दिखाए स्टूडेंट की, ये दोनों साथ दिखा, बाकी हमें सारी डेटा नहीं चाहिए। सिंपली अब हमने क्या किया, सिलेक्ट मतलब लिख के स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम, फिर लिखा फ्रॉम स्टूडेंट जो हमारा टेबल का नेम है, लास्ट में हमने सेमी कॉलम दे दी ताकि हमारा क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए। हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी और नेम दोनों शो कर रहा है, दोनों की वही हमारे पास रिकॉर्ड है, 9 rows हैं। तो स्टूडेंट आईडी भी शो कर लिया, अब इसने स्टूडेंट नेम भी शो कर लिया है। और एक बात इसमें यह है कि अगर आप चाहें तो कॉलम्स को जैसे इंसर्ट में हम करते थे ऑर्डर को चेंज करके, आप उस तरीके से भी इसमें वैल्यूज़ को रिट्रीव कर मतलब यहाँ पर क्यूरी लिख सकते हैं और वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ में आएगी। जैसे कि हम लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिटी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा सिटी जो है वो है थर्ड नंबर पर, तो हम यहाँ पर सिटी लिख लेते हैं। सिटी लिख लिया, हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद नेम लिख लिया, फिर हम कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी। अब हम लिखेंगे फ्रॉम कीवर्ड हमारा, अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने इंसर्ट स्टेटमेंट में चेंज ऑर्डर को आगे पीछे किए थे उसी तरीके से यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर उसने पहले हमें सिटी दिखा दिया, नेम और स्टूडेंट आईडी, डेटा हमारे पास सही तरीके से रिट्रीव हो गई है जैसे हमने वहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे। अगर आप चाहें तो सिटी पिन फर्स्ट में देंगे तो हमें सिटी पिन फर्स्ट शो करेगा। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है, और सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर कोई एक कॉलम हम चाहें
तो उसकी डेटा किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल कॉलम्स की किस तरीके से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मतलब कॉलम्स को आगे पीछे करके, उनकी ऑर्डर्स को चेंज करके, उस तरीके से कैसे हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आगे हम SQL की सिलेक्ट ऑल की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।